तो आज हम आ गए बिहार के पटना शहर में और यहाँ पे ट्राई करेंगे 14 अंडों का एग पॉच। तो देख सकते हो यहाँ पे एक साथ 7 खाना बना हुआ है जिसमें कि 14 अंडों का एग पॉच लगने वाला है। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे उपले लगाए जा रहे हैं और कोयले में पुराने तरीके से एग पॉच लगाए जाते हैं। तो उपलों के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कोयला रखा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑयल डालने जा रहे हैं। तो सरसों का तेल रहता है भैया जी? तो भैया कौन कौन सी वेरायटी रहती है आपके अंडों की? बत्तख है, देसी है, फार्म है। तो सबसे पहले डाल दिए प्याज। तो भैया कितने टाइम से लगा रहे हो यहाँ पे? 34-35 साल हो गए। तो सेटअप देख सकते हो, आपको पता लग रहा होगा इतना काम चलता होगा एक साथ साथ साथ। यहाँ पे भैया ने यहाँ पे देख सकते हो कच्ची की तरह चीज़ें लगाई है। नमक, ये आ गया नमक, काला नमक, ये क्या डाल भैया? आधी लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो भैया कैसे सोचा ये लगाने का? ये तो अपना दिमाग लगाए, पहले फ्राई पैन में लोग खाते थे। अच्छा। अंडा फोड़ दिए, नमक डाल दिए, फ्राई पैन में लोग खाते। हम कहीं पर नज़र पड़ा कि कलछुल में बनता है कहीं, तो ये मेरा ही समझ कि छा गया है पूरा एरिया में, तो ये अपना दिमाग इसमें लगा दिए। तो हमारे यहाँ पे 14 अंडों का यहाँ पे देख सकते हो पाउच लगने जा रहा है। तो ये आगे बत्तख अंडा। तो भैया पता क्या चलता है बत्तख के अंडे का? इसका हाथ ही अलग है, कलर ही देखिए ये अलग होता है इसका। आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है सब। यहाँ पे प्याज बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स हो चुका है, तड़का रेडी हो चुका है। अब इसमें अंडे डाले जा रहे हैं, एकदम फटाफट काम करना होता है ताकि जल ना जाए। भैया प्राइस क्या रहता है इसका? डबल अंडे का 40। तो देख सकते हो अंडे डाल दिए, अब ऊपर से डाला जा रहा है प्याज। तो अगर आपको भी इसको ट्राई करना है तो पटना में आके भैया इसको ट्राई कर सकते हो। और ये आ गई हरी मिर्च। तो सबसे ज़्यादा लोग कौन से वाले अंडे पसंद करते हैं इसमें पाउच में? जैसे जनरल तो लोग फार्म खाते हैं, फार्म खाते हैं ज़्यादातर लोग, सब आदमी ये नहीं खा पाते हैं। अच्छा। समझ, गर्म होता है थोड़ा। अच्छा, थोड़ा गर्म होता है। हाँ, सर्दी में लोग ज़्यादा। हाँ, ये जाड़ा में ज़्यादा चलता है। ऊपर से इन्होंने डाल दिया यहाँ पे धनिया और थोड़ा सा मसाला। तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और बनाते भी एकदम पुराने तरीके से। देख, मिट्टी का चूल्हा रहता है आपका ये। नीचे से देख सकते हो अच्छे से ये पक चुका है, अब इसको दूसरी साइड से पकाया जाएगा। तो भैया इसको तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? बस 5 से 7 मिनट। अच्छा, तो टाइम अपना देख ही रहे हैं। अच्छा, तो साथ में बॉयल एग भी रहते हैं? हाँ, बॉयल एग। तो देख सकते हो दोनों तरफ से इसकी अच्छे से सिकाई कर ली जाएगी। तो हमारा देख सकते हो 2 अंडों का एक पाउच लग के यहाँ पे रेडी हो चुका है एकदम। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम बन की तरह। तो भैया आपको कैसे ख्याल आया था इसका कि कैसे ये लगाना है? मैंने देख कर, अब बिजनेस मेरा हमको करना था। अच्छा। तो कुछ यही ट्राई कर लिए कि चलो इसमें हमको कुछ मिल जाएगा बाल बच्चे के लिए, और क्या। काम कैसे चल रहा है? ठीक चलता है? हाँ, ठीक चलता है। एक मेरा बच्चा मेरा दिल्ली में है। अच्छा। क्यों BIT कर रहा हूँ, बच्ची एगो JD वीमेंस में अभी है, थर्ड में है, तो पढ़ रही है। हाँ, दोनों, बस दो वो है। तो फाइनली पटना में बत्तख के अंडे का एक पाउच यहाँ पे लग चुका है। तो ये 2 अंडों का एक पाउच है। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से मसालों के साथ प्याज डाल के, धनिया डाल के काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया। तो देख सकते हो अंदर से ये है इसका येलो पार्ट, और बहुत ही बढ़िया मसालों की खुशबू आ रही है। तो एकदम बढ़िया सा हाफ फ्राई है, और मैंने कभी बत्तख अंडा टेस्ट नहीं किया, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते एक बार। तो काफ़ी टेस्टी है, और जैसे कि आप नॉर्मल अंडा खाते हैं एकदम वैसा ही टेस्ट है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। भैया टाइमिंग क्या रहती है आपकी दुकान की? वही 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद? हाँ। कितने बजे तक? 10 बजे तक, 10:30 टाइमिंग। सब ज़्यादा लोग भीड़ लग जाती है? भीड़ रहती है। हाँ। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? सर सब दिन, जैसे कभी बंद करने का इच्छा हुआ तो बृहस्पतिवार को बंद करते हैं, मैंने कम सेल होता है उस समय। बृहस्पतिवार वैसे ऐसे जनरल, अब जैसे पर्व उर्व कोई आ गया तो उसमें बंद रहती है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो। ये गर्दनी बाग, बाग वाला मंदिर बोलता है यहाँ पटना, गर्दनी बाग थाना है बगल में। तो अगर आप भी पटना रहते हैं, विजिट कर रहे हो और बत्तख के अंडे का एग पाउच टेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। 40 रुपये का रहता है 2 अंडों का। तो अगर आप फार्म के अंडे का टेस्ट करोगे तो वो 30 रुपये का रहता है, 2 अंडे रहते हैं उसमें। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।